हाँ, इस कमरे के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो क्या है मिस्टर वोंका कि मैं खुद बरसों से नट बिजनेस में हूँ। क्या आप हैव अ मैक्स 4000 मशीन से नट्स तोड़ने का काम करते हैं? नहीं आपका भी जवाब नहीं। स्क्विरल्स, ये गिलहरियां अखरोट तोड़ने के लिए खास ढंग से ट्रेन की गई हैं। गिलहरियों का इस्तेमाल क्यों, ऊंपा लूंपास का क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ गिलहरी एक वक्त में पूरा अखरोट निकाल सकती है। देखो कैसे छोटे छोटे हाथों से टैप करके पता लगाती है कि खराब तो नहीं। वो देखो देखो, शायद इसके हाथ खराब नट लगते हैं। डैडी, मुझे एक स्क्विरल चाहिए। उनमें से एक स्क्विरल ला दीजिए, मुझे स्क्विरल चाहिए। मेरे को ये, तुम्हारे पास इससे भी अच्छे पेट्स हैं। मेरे पास घर पर सिर्फ एक पोनी, दो डॉग्स, चार बिल्लियां, छह रैबिट्स और दो तोते, तीन मैना, एक सांप, एक छोटा सा कछुआ और एक बूढ़ा मुर्गा है। डैडी, मुझे एक स्क्विरल चाहिए। ठीक है बेटी, डैडी जल्द से जल्द तुम्हें एक गिलहरी लाकर देंगे। पर मुझे कोई मामूली स्क्विरल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ट्रेन स्क्विरल। ठीक है बेटी। अब मिस्टर वोंका, आप इनमें से एक गिलहरी कितने में बेचेंगे? मुझे अपनी कीमत बताइए। ये बेचने के लिए नहीं है, इसे स्क्विरल नहीं मिल सकता। डैडी, I'm sorry darling, मिस्टर वोंका अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अगर आप मुझे स्क्विरल लाकर नहीं देंगे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगी। सुनो बच्ची, मेरे को मैं कहता हूं वापस आओ। सुनो लड़की, उसके नट्स को बिल्कुल हाथ मत लगाना, उसे कुछ सा आ जाएगा। चाबी है? नहीं, ये नहीं। डैडी! वरुका! नहीं, ये भी नहीं। चैडली, ये भी नहीं है। देख रहे हैं कि जिद्दी बच्ची है, अच्छी बच्ची है। ओह माय गुडनेस, ये तो बहुत जिद्दी बच्ची है। रुका, ये सब कहां ले जा रहे हैं? वहीं जहां सारे खराब नट्स जाते हैं, कचरे के ढेर में। कचरे का ढेर कहां खाली होता है? भट्टी में और कहां। पर फिक्र मत कीजिए, हम उसे सिर्फ ट्यूसडे को चलाते हैं। वैसे आज ट्यूसडे है। हो सकता है वो उसे आज जलाने का इरादा बदल दे। हे
देखिए, हो सकता है कि वो नीचे गिरने से पहले ही ऊपर पाइप में फंस गई हो। अगर ऐसा हुआ तो आप हाथ बढ़ाकर उसे खींच सकते हैं। ओके? मुझे भी पता चला है कि भट्टी खराब है, इसलिए वो जब गिरेंगे तो 3 हफ्ते पुराने कचरे के ढेर के ऊपर गिरेंगे। वाह, ये अच्छी खबर है। ठीक है, सफर को आगे बढ़ाते हैं।